तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग टाइम से रिलेटेड, यानी कि बेसिक लाइफ में जो हम लोग देखते हैं टाइम, कि आज का दिन कौन सा है, 2 दिन पहले क्या था, अभी क्या टाइम हो रहा है, कितनी देर बाद तुम्हें स्कूल जाना है, कितने बजे सो के उठना है, कितनी देर में होमवर्क करना है, कितना मिनट लगेंगे, कितने आवर्स लगेंगे, या कोई प्रोजेक्ट है तो कितने डेज लगेंगे, ये सारी चीज़ें बेसिक लाइफ से जुड़ी हुई हैं। जब ये चीज़ बेसिक लाइफ से जुड़ी हुई, तो डेफिनेटली इस चैप्टर को स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों के लिए ये। हमें मालूम होना चाहिए ईयर का मतलब, हमें मालूम होना चाहिए मंथ्स का मतलब, डेज का मतलब, वीक का मतलब, आवर्स, मिनट, सेकेंड। तो ऐसे तो मालूम हमें कि एक ईयर होता है, हर साल हमारे फेस्टिवल आते हैं, हमारा क्लास चेंज होता है, ये तो पता है। तो लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि एक जो साल जो पीरियड होता है वो कितने दिनों का होता है, या एक साल जो होता है कितने मंथ्स का होता है, या फिर अगर कोई, जैसे कि आपने बताया कि मैं 6 आवर्स के लिए स्कूल में गया, तो 6 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें तुम्हें मालूम होनी चाहिए, एक ओवरऑल क्वांटिटी तुम्हें मालूम होनी चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ईयर से, ऐसे और पहले से भी स्टार्ट कर सकते हो, डिकेड 10 ईयर भी हो सकता है, लेकिन स्टार्ट करेंगे ईयर से कि हमारे पास ईयर है, फिर उससे छोटा मंथ है, फिर उससे छोटा डेज है, फिर उससे छोटा आवर्स है, उससे छोटा मिनट है, फिर सेकेंड है। मतलब कि अगर हम बोले कि एक साल, यानी 1 ईयर, अगर हम कह रहे हैं किसी टाइम को, किसी क्वांटिटी को हम कह रहे हैं 1 ईयर, तो मंथ में कितना होगा? 12 मंथ्स होगा, क्योंकि एक साल में कितने मंथ डिवाइड है? 12 मंथ, मतलब 12 मंथ्स का मतलब ही 1 ईयर, ठीक है ना। तो अब हम लोग 12 मंथ्स और 1 ईयर क्यों बोल रहे हैं? कि हमें अच्छा लग रहा है बोलना, है ना। अगर 24 मंथ्स है, तो अब 24 मंथ इतना बड़ा बोले, 24 मंथ, तो सीधा हम 2 ईयर्स ना बोल दें, 24 मंथ को हम 2 ईयर्स ना बोल दें। एग्जाम्पल के तौर पे 48 मंथ्स, एग्जाम्पल के तौर पे कितने मंथ्स? 48 मंथ्स। अब इतना बड़ा बोलने से अच्छा है हम ये ना बोलें कि यार 4 ईयर्स, है ना। जैसे हम लोग एज जो अपनी बताते हैं, एज तो क्या एज हम लोग डेज या मंथ से बताते हैं कि हम कितने साल के हो गए? हम 3000 डेज के हो गए। हम इतना बड़ा थोड़ी ना बोलते हैं 3000 डेज के हो गए। हम इसको ईयर में अप्रॉक्स बोलेंगे कि हम 9 ईयर्स के हो गए हैं, हम 8 ईयर्स के हो गए, इन्हीं डेज को कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में, या इन्हीं मंथ्स को कन्वर्ट करेंगे ईयर में, कि अगर कोई भी क्वांटिटी एकदम बड़ी होने लगती है तो हम उसे कन्वर्ट करके छोटा बना लेते हैं, ठीक है ना। कन्वर्ट करके क्या बना लेते हैं? छोटा बना लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास समझो कि 545 रुपीज़ हैं, ठीक है, अब हम ऐसे ही बोलेंगे ना, 545 रुपीज़। हम इसको पैसे में थोड़ा बोलेंगे कि हमारे पास 5450 पैसे हैं, है ना। जैसे कि हमने बोला 12000 12000 रुपीज़, हम इसको डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं? 12000 बोल रहे हैं, है ना। हम उसको ऐसे थोड़ी ना बोल रहे हैं कि 120 100, एक्चुअली 120 100 हो रहा है ना, ये 120, ये 100। भाई 100, अगर 12000 रुपए हैं, समझो 12000 रुपए हैं, 12000, तो 100 के कितने नोट होंगे मालूम है आपके पास? 100 के नोट कितने होंगे? 100 के नोट होंगे 120। लेकिन आप इसे 120 100 नहीं बोलोगे, आप इसे शॉर्ट में बोलोगे 12000, है ना। तो ठीक है ना, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बाहर ग्रोसरी शॉप से हम अगर समझो आटा लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो आटा हमें चाहिए 5 किलोग्राम, कितना चाहिए? 5 किलोग्राम। तो हम उसे 5 किलोग्राम बोलेंगे, हम उसे 5000 ग्राम थोड़ी ना बोलेंगे, 5000 ग्राम नहीं बोलेंगे, एक्चुअली 5000 ग्राम ही 5 किलोग्राम के बराबर होता है, पर हम इसे शॉर्ट बोलते हैं। अगर कोई चीज़ छोटी क्वांटिटी ग्राम में बोल दिया, बड़ी क्वांटिटी तो हमने उसको कन्वर्ट करके किलोग्राम कर लिया। तो मेजरमेंट में ये चीज़ें और अच्छे से हम लोग ने सीखी हुई है। इसी तरह टाइम में भी है कि जैसे डेज हैं, जैसे कि 500 डेज हैं या 700 डेज हैं, तो 700 डेज नहीं बोलेंगे उसे, हम लोग क्या करते हैं? ईयर में बोल देते हैं, 2 ईयर्स, या जो भी ईयर्स में कन्वर्ट हो रहा है वो हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे, वो हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो देखो, तो ईयर है हमारे पास, मंथ है, डेज है, आवर्स है, मिनट है, सेकेंड है। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? अब डेज तो यार 1 महीने में 30 भी हो सकते हैं, 31 और 28 भी हो सकते हैं, अलग अलग महीने में अलग अलग डेज होते हैं, चलो अच्छा कोई बात नहीं, ये एक्सेप्शन है। फिर 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24। फिर 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। या 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड। अब हमें कन्वर्ट करना है, हमें क्या करना है? कन्वर्जन करना है।
कि बताओ, क्वेश्चन आएगा बताओ 2 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं, 2 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम बनाया बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ मैंने डायग्राम बनाया बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखो ईयर से मंथ में जाना है, जब मारा हमने, ये देखो एरो दिख रही है, ये मैं जब मार रहा हूँ। तो ईयर से मंथ में आएंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से करेंगे। मंथ या डेज में आएंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डिपेंड करता है कौन सा मंथ है, 30 से भी कर सकते हैं, 31 से भी कर सकते हैं, 28 से भी कर सकते हैं, 29 से भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है मंथ कौन सा है, ये आगे सीखोगे। ठीक है, अगर एक डे को आवर बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 24 से। एक दिन को आवर बदलना है किससे मल्टीप्लाई करो, 24 से। मतलब 1 डे इज इक्वल टू, इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हो कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 12 मंथ्स होते हैं, है ना। तो वही बात है ना, एक साल में 12 महीने होते हैं। मतलब 1 ईयर को, ईयर को तुम्हें मंथ में जाना है तो देखो इसे जब मारो, ये जब मारा इंटू 12, ठीक है ना। इसी तरह डेज है, 1 डे में 24 आवर होते हैं, तो ये 24 मल्टीप्लाई बाय 24। तो 2 डेज में कितने आवर्स होंगे, 2 मल्टीप्लाई 24, है ना। अगर बोले बताओ अच्छा 1 डे में तो 24 आवर होते हैं, 2 डे में कितने, 2 डेज में कितने आवर्स होंगे, देखो 2 लिखो, अब डेज से आवर्स में जाना है, ए इंटू 24। रास्ते में क्या पढ़ा, रास्ते में पढ़ा इंटू 24, मल्टीप्लाई करना 24 का, यानी 2 दिन को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, हो जाएगा 48 आवर्स। डेज को हमने किसमें बदल दिया, आवर्स में। ठीक, इसी तरह 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट। देखो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, मतलब अगर 60 मिनट हो गए, 60 मिनट हो गए, मतलब हम उसे 1 आवर बोलेंगे इन शॉर्ट में, तो 60 मिनट होते हैं। तो सर 2 आवर में कितने होंगे, देखो आवर से मिनट में जाने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आवर से मिनट में जाने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये देखो मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 60 हो गया 120 मिनट, मिनट से हो गया, गॉट इट। इसी तरह मिनट से सेकंड में जाना है, इसी तरह मिनट टू सेकंड में जाना है। समझो 5 मिनट्स हैं, तो 5 मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में, कि 5 मिनट में सेकंड कितने होते हैं। आ जाओ इधर, यहाँ टेबल मैंने बनाई है, मिनट से सेकंड में जाना है, रास्ते में क्या पड़ा, मल्टीप्लाई 60 पड़ा, रास्ते में क्या पड़ा, मल्टीप्लाई 60, यानी 5 5 भी लिखना जरूरी है, 5 मिनट को बदल रहे हो ना, तो 5 × 60 यानी 6 5 30 एंड 0 300 सेकेंड। तो 300 सेकेंड को ही हम लोग बोलेंगे 5 मिनट। दोनों में बात एक ही है, आपको ऐसे बोलना अच्छा लग रहा है वैसे बोलो, आपको ऐसे बोलना अच्छा लग रहा है वैसे बोलो, दोनों ही बराबर है आपस में, समझ गया कन्वर्जन करना। इसी तरह जब मतलब डायरेक्ट भी कन्वर्जन कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें बोला गया है कि 2 आवर्स 3 आवर्स में कितने सेकेंड होंगे, तुम्हें क्या बोला गया है, 3 आवर्स में कितने सेकेंड होंगे, मिनट नहीं सेकेंड। कोई बात नहीं, हमें क्या दिक्कत है, हमने तो टेबल बना के रखी हुई है, हमने तो अपनी फॉर्मूला टेबल बनी रखी हुई है। आवर से सेकेंड में जाना है, जब मारो आवर से मिनट में गए, क्या पड़ा रास्ते में, इंटू 60 पड़ा। तो 3 तो पहले ये लिख दो, पहले 3 लिख दो, इंटू 60 किया, फिर हमें सेकंड तक जाना है ना, फिर जब मारा फिर वापस इंटू 60 करना पड़ेगा, है ना। देखो इंटू 60 इंटू 60, तो इंटू 60 इंटू 60 यानी 3 आवर्स यहां पर हो जाएगा 36 00 36 108, इतने सेकेंड हो जाएंगे, 10,800 सेकेंड हो जाएंगे, ठीक है ना। इतना बेसिक मल्टीप्लाई मेंटल मैथ तो आनी चाहिए इतनी कम से कम, ठीक है। तो 1080 क्या हो जाएंगे, 800 सेकेंड्स हो जाएंगे, कि 3 आवर्स में इतने सेकेंड होते हैं, इतने सेकेंड होते हैं। चलो ये कहानी तो अच्छी लग रही थी, आगे मल्टीप्लाई में जाने वाली। तो सर ऐसा भी तो पूछा जा सकता है, उल्टा भी तो पूछा जा सकता है, उल्टा भी तो पूछा जा सकता है, बताओ 1 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं, या फिर 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं, अपोजिट उल्टा भी आ सकते हैं ना। कोई बात नहीं, हमें क्या दिक्कत है, हमने यहाँ पे फॉर्मूला शीट बना के रखी हुई है, सेकंड से मिनट कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, रास्ते में डिवाइड बाई 60 करेंगे, मिनट से आवर करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 60 करेंगे, आवर से डेज बनाना है तो क्या, डिवाइड बाई 24 करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें बोला गया है कि बताओ 1 आवर में कितने डे होंगे, तो 1 लिखा है, 1 अपॉन कितने डे, आवर से डे में डिवाइड बाई 24, ये होता है डिवाइड का साइन, 24 इतने डे होंगे। अच्छा बताओ 5 आवर में कितने डे होंगे, 5 आवर इज इक्वल टू 5 ऊपर लिखेंगे डिवाइड बाई 24 करेंगे, डिवाइड 24 चल रहा है ना, आवर से 24 डिवाइड बाई 24, तो ये आ जाएगा डेज, ठीक है। अभी क्वांटिटी कम है इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है, चलो थोड़ा बड़ी क्वांटिटी जाएंगे, हम बोलेंगे 240 आवर्स में, 240 आवर्स में कितने डे होंगे, तो ऊपर लिखेंगे 240, नीचे तो हमारा 24 चल रहा है,
तो इसके रूट 24 वन 24 और एक जीरो बचा 10 डेज होंगे। एग्जांपल के तौर पे 48 आवर्स में कितने डे होंगे, तो आवर्स से डे डिवाइड बाय 24 डिवाइड बाय 24 तो 48 डिवाइड बाय 24 रिड्यूस करोगे 20 ऐसे करके डिवाइड। भाई ये सब तो आना चाहिए, देखो ये ऐसे करके मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए तभी तो चैप्टर सीख पाओगे वरना नहीं सीख पाओगे, खत्म बात। तो 24 टू था 48 जीरो जीरो मतलब बचेगा टू डेज, 48 आवर्स का मतलब ही कितने डेज हो गए, टू डेज हो गए। तो इस तरह कहानी है, इस तरह हम लोग को पीछे कन्वर्स करना होता है। अब इसके आगे वाले पार्ट में और भी हम लोग डिटेल में सीखेंगे कि कैसे क्या चीज़ें हमें कन्वर्ट करनी है, टेबल अच्छे से बना लेना ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, आपको दे दिया मिनट 3000 मिनट दे दिया, 3000 मिनट मैंने कितना काम किया, मैंने 3000 मिनट काम किया, 3000 मिनट समझ में नहीं आ रहा है सर, डेज में बताइए। चलो अच्छा डेज में बताएंगे, ठीक है ये मिनट में है, हम लोग मिनट से कहाँ पे जाना है, डेज में जाना है। तो डिवाइड बाई 60 वापस डिवाइड बाई 24 यानी कि 3000 को डिवाइड करेंगे किससे किससे डिवाइड करेंगे, एक बार देखो मिनट में थे, मिनट से आवर्स, आवर्स से डेज, एक बार डिवाइड बाई 60 करेंगे वापस ऐसे अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई करके 24। एक्चुअली वो डिवाइड ही हो रहा है, देखो 3000 डिवाइड 60 से भी हो रहा है, 3000 डिवाइड 24 से भी हो रहा है, लेकिन बीच में क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे बस। अब इसको सॉल्व कर लेना, अब इसको सॉल्व करना मुझे सिखाना पड़ेगा क्या, नहीं ये आना चाहिए आपको। देखो जीरो जीरो कट हुआ, ओके 6 5 30 और आ गया 50, 50 डिवाइड बाई 24 लगभग टू डेज और यहाँ बचेगा दो, देखो ऐसे टू आवर्स बचेंगे ना, टू आवर्स में टू डेज टू आवर्स हमने काम किया, ठीक है टू डेज हमने टू आवर्स काम किया। अभी आगे मैं इसका डिटेल में कराऊंगा, ठीक है ना, ये तो मैंने जस्ट एक बेसिक आइडिया दिया है, अभी इसका आप डिटेल सीखोगे ना तो आपको एग्जैक्टली मैं पूरा बताऊंगा कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है कॉपी कर दीजिएगा। टाइम तो हम लोगों ने बेसिक लेक्चर पहले देख लिया था कि डेज से आवर्स में जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, आवर्स से मिनट में जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, मिनट से सेकंड में जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से करेंगे। ठीक इसी तरह अगर उल्टा आएंगे, आपको सेकंड दिया गया बोला मिनट बनाओ तो डिवाइड बाय 60 करेंगे, अगर आपको मिनट बोला गया बोला आवर्स, मिनट दिया गया बोला आवर्स बनाओ तो डिवाइड बाय 60 करेंगे, अगर आवर्स दिया गया है बोला गया डेज में कन्वर्ट करो तो डिवाइड बाय 24 करेंगे। ठीक है कम से कम इतना तो रहे, इसके अलावा डेज ईयर और वीक वाला भी था। तो यहाँ पे देखो क्या करें, कन्वर्ट इनटू मिनट, 5 आवर्स दिया हुआ कितने बनाना है, मिनट में बनाना है, आवर्स में दिया है मिनट में, ऐसे जाना है दो बैरो ऐसे बनाया तो 5 × 60 कर देना, 5 × 60 आंसर आ जाएगा। फिर 7 और को मिनट बनाया 7 × 60 कर देना, आंसर आ जाएगा। भाई आवर्स दिया हुआ हाँ मिनट में जाना है, हाँ सर मिनट में जाना है, मिनट बनाना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। इसी तरह अगर ऐसे दोनों कंबाइन करके दिया हुआ है 8 hours 18 minutes और तुम्हें बनाना है क्या, मिनट बनाना है, तो यहाँ पर ध्यान दो तुम्हें बनाना है क्या है, मिनट बनाना है, ठीक है दिया क्या है तुम्हें, गिवेन इज 8 hours 18 minutes तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, हमें बनाना है किसमें, मिनट्स में बनाना है, ये ध्यान रखना हमें भी। तो आवर्स से पहले क्या करो, ये तो 18 मिनट पहले से ही है, ये तो 18 मिनट पहले से बना हुआ है, हमें 8 आवर्स को मिनट में बनाकर 18 मिनट को भी प्लस कर देना है, 8 आवर्स को तो मिनट बनाओ, तो आवर्स से मिनट में मल्टीप्लाई 60 करते हैं तो क्या करेंगे 8 × 60 कर देंगे और प्लस 18 मिनट और प्लस कर देंगे, ये भी मिनट हो जाएगा, 8 × 60 करोगे तो 8 × 60 कितना हुआ बोलो 480 मिनट, 8 × 60 मल्टीप्लाई कर 480 मिनट प्लस 18 मिनट, ये पहले से ही मिनट में था, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये तो पहले से ही मिनट में है, तो बस 480 मिनट हो गया 8 आवर्स का और 18 मिनट 18 मिनट से 480 × 18 498 मिनट हो गया, ठीक है ना, यानी कि 8 आवर्स 18 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स 498 मिनट्स, इज इट क्लियर, क्लियर। इसी तरह ये भी 12 आवर्स 14 मिनट्स है, टोटल मिला के तुम्हें मिनट्स बनाना है, भाई ये तो पहले से ही मिनट में है, ये तो पहले से, इसको छोड़ो 12 आवर्स के तुम मिनट बनाओगे 12 × 60 करके प्लस कर दोगे 40 को भी, प्लस कर दोगे 40 को भी, ठीक है समझ में आया, आ गया सर। तो ये इस तरीके से करते हैं, अगर दो अलग अलग दिया है तो एक कैसे करना है ये मैंने बता दिया कि आवर्स और मिनट दिया गया था, जस्ट मिनट में कैसे बनाना है तो बता दिया। कभी कभी क्या होता है एक ही दिया होता है और तुम्हें अलग अलग करना होता है, जैसे 65 मिनट को तुम्हें बदलना है आवर्स एंड मिनट्स में, तुम्हें बदलना है आवर्स एंड मिनट्स में, चलो अच्छा ठीक है ये भी करेंगे हम लोग। क्या बोला गया है, बोला गया है 65 मिनट्स को तुम बताओ आवर्स कितने हैं, तुम बताओ उसके अंदर मिनट कितने हैं,
मिनट, मिनट तो है ही, छोड़ दो 65 मिनट को हम पहले क्या करेंगे, आवर से बदलने की कोशिश करेंगे। 65 मिनट को हम किसे बदलने की कोशिश करेंगे, आवर्स में। तो मिनट टू आवर के लिए क्या करते हैं बताओ, मिनट टू आवर, ए ऐसे जम जा रहा है, देखो एरो, देखो मेरा एरो, ए ऐसे डिवाइड बाई 60 करेंगे सर। चलो अच्छा ठीक है, डिवाइड बाई 60 कर लेंगे हम लोग। तो यही करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो 65 डिवाइड बाई 60, इसको अगर हम इस फॉर्म में लिख लें तो ज़्यादा अच्छा लगता है हमें, ऐसे ऐसे डिवाइड करना ज़्यादा, ऐसे करने में दिक्कत हो रही सर, हम ऐसे कर लेंगे डिवाइड, ठहरा ऐसे करेंगे। देखो 60 से 65 डिवाइड करो, अब ये डिवाइड करना आना चाहिए, अब डिवाइड करना नहीं आता है तो फिर अगर ये डिवाइड और मल्टीप्लाई करना ठीक से नहीं आता है, मतलब ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा, बात हो गई खत्म। अगर आप ये सोचा रहे डिवाइड तो हम सीख लेंगे बाद में, पहले ये सीख लें, नहीं, आपको पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई सीखना ही पड़ेगा। तो 60 ठीक है, माइनस में करोगे तो रिमाइंडर आ गया 5। तो याद रखो, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान दे देना, ये तुम्हारा क्या था, मिनट था, ठीक है। तो जो भी रिमाइंडर आता है वो हो जाता है मिनट, डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वही का वही मिनट का मिनट रहेगा, और जो आंसर आता है वो आवर्स में हो जाता है, यानी कि 65 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर 5 मिनट, ठीक है ना। क्या हो गया, 1 आवर 5 मिनट, आ गई बात समझ में। अगर ये नहीं समझ में आ रहा मतलब तुम्हें डिवाइड करना नहीं आता, बात हो गई खत्म, ठीक है ना। ये तो इस तरीके से अगर एक है उसके दो में बदलना है तो डिवाइड करके आपको बदलना होता है, ठीक है ना, समझे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट दिया हुआ है आपको 180 मिनट्स, क्या दिया 180 मिनट, और बदलना किस में, आवर्स एंड मिनट में। तो 180 मिनट्स है, इसको तुम्हें बदलना है आवर्स एंड मिनट में, कि 180 मिनट्स में कितने आवर्स होंगे कितने मिनट होंगे। तो मिनट से कम मिनट, तो चलो मिनट है छोड़ दो, मिनट से आवर्स में तो जाना ही पड़ेगा ना, मिनट है तो आवर बदलना ही बदलना है। तो मिनट से आवर में जाने के लिए क्या करते हैं, मिनट से आवर में जाने के लिए सर डिवाइड बाई 60 करते हैं, सर डिवाइड बाई 60 करते हैं। तो चलो करेंगे डिवाइड बाई 60, 180 60, देखो 60 बाहर रखना है, हाँ तो 6 3 180, कैसे, अब ये डिवाइड करना आना चाहिए, 0 से 0 आखिरी कट जाते हैं, 6 3 18 हो जाता है, ठीक है। ये इतनी मेंटल मैट आनी चाहिए, नहीं तो 6 3 18 रिमाइंडर 0 बचेगा, फिर एक और 0 कैरी होगा तो 0 तुम्हारा बड़ी ये हो जाएगा, नहीं तो 60 से तुम्हें करना पड़ेगा और ये रिमाइंडर बचेगा 0। देखो ये तुम्हारा मिनट था तो रिमाइंडर 0 बचा, मतलब मिनट तुम्हारे 0 बचे, और जो आंसर आता है क्योंकि डिवाइड कर रहे हो, मिनट को तुम डिवाइड कर रहे हो तो आंसर आ जाएगा आवर्स में। तो 180 मिनट का आंसर कितना आ गया, 3 आवर 0 मिनट, क्योंकि रिमाइंडर बचा ही नहीं, रिमाइंडर बचता तो बचाओ मिनट हो जाता। तो 180 मिनट का जस्ट कट टू कट मतलब क्या हुआ, 3 आवर्स, 180 मिनट तुमने पढ़ाई की, मतलब 3 आवर्स तुमने पढ़ाई की, ठीक है। अब देखो बोला गया कि 210 मिनट्स को बदलो तुम किसमें, आवर्स एंड मिनट्स में, दोनों बदलना है आवर्स एंड मिनट्स में, चलो मतलब स्प्लिट करना है कुल मिला के। तो हम क्या करेंगे, वही कहानी 210 को किससे डिवाइड करेंगे, 60 से, क्यों, मिनट को आवर्स बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मिनट के आवर बदलने के लिए सर हमें मिनट से आवर जाना है, ये ऐसे जब मारना डिवाइड बाई 60 करना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलो अब तुम्हें देखो इसका सबसे आसान डिवाइड करना क्या होता है, क्या करो ये 0 0 काट दिया, आखिरी 0 कट जाते हैं, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 21, डिवाइड करना आना चाहिए, 6 3 18 लग रहा है हमारा, 6 3 18 लग रहा, बचा कितना 3 बच रहा है, ये तुम्हारा क्या था मिनट था ना, ये क्या था मिनट था, ठीक है। तुम एक काम करो, तुम इस तरीके से मत करो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम ऐसे ही करो, चलो तुम ऐसे करो, देखो 210 क्या है, मिनट है, डिवाइड बाई 60 करना है, तुम 60 का ही टेबल लगाओ, 0 0 मत कट करो, नहीं तो तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, 60 का तुम टेबल लगाओ, 61 60, 62 120, ऐसे करना है ना, 60 × 1, 60 × 2, ऐसे करके करना है, ठीक है। तो 60, और वैसे भी मैं मेंटल मैथ हो गया अगर, तो 6 3 18 होता है तो 63 180 हो जाएगा, 63 180, माइनस करोगे, माइनस करके 30 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या था मिनट था, तो 30 क्या हो जाएगा मिनट, रिमाइंडर जो होता है वही बच जाता है, मिनट 30 मिनट बच गया, और जो आंसर आया है वो आवर्स हो गया है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 210 जो मिनट्स हैं वो एक्चुअली में 3 आवर्स और 30 मिनट्स हैं, आवर्स से मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो समझ में आ गया, कितना इजी था, बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है,
ये कुछ ज्यादा इजी लग रहा है। चलो अब आगे जाएंगे हम लोग। देखो इसको कन्वर्ट करना है, नीचे मिनट्स दिए हैं, कन्वर्ट करना है सेकंड में। कन्वर्ट किसने करना है? सेकंड में करना है, ठीक है। तो मिनट से सेकंड जाना है तो ये तो मुझे बताने की अब जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई वाला खेल है। मिनट से सेकंड जाना है, मिनट से सेकंड ये जंप मल्टीप्लाई 60 करना है। तो 10 मिनट है, सेकंड बदलना है 10 इंटू 60। 20 मिनट है, सेकंड बदलना है 20 इंटू 60। 25 मिनट 25 इंटू 60 करना है। चलो चलिए। हाँ, उल्टा आने में थोड़ा हमें समझना पड़ता है। देखो कन्वर्ट इंटू मिनट्स, नीचे दिए हुए सेकेंड्स, बदलना किस में? मिनट्स में बदलना है। किसमें बदलना है? मिनट्स में बदलना है। तो चलो तुम्हें दिया हुआ है 2250 सेकेंड्स। ठीक है, सेकेंड से जाना है मिनट में। सेकेंड गिवेन है, मिनट में जाना है हमें, ऐसे जाना है ना, सेकेंड से मिनट में जाना है, बदलना है। आज हमारी टेबल सेकेंड में है, सेकेंड से मिनट उल्टा आना है, डिवाइड बाय 60 करेंगे। तो 250 को डिवाइड बाय 60 करो, 60 का टेबल मारोगे, 6 4 2 40 इतना तो आना ही चाहिए। बचेगा 10। देखो ये 10, ये क्या था? सेकेंड था ना, तो रिमाइंडर जो बचा वो सेकेंड बच गया, और ये क्या हो गया? मिनट हो गया। सेकेंड के बाद क्या आता है? मिनट। देखो तो तुम्हें मिनट से बदलना था, तो आंसर आ गया 4 मिनट 10 सेकेंड। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो तो, लेकिन सर यहां पर तो मिनट एंड सेकेंड नहीं बोला गया था, यहां पर तो जस्ट मिनट बोला गया था। फिर जस्ट मिनट बोला गया तो फिर आपको डेसिमल में जाना पड़ेगा, अगर आपको स्प्लिट नहीं करना है कि मिनट को अलग दिखाओ सेकेंड को अलग दिखाओ, तुम्हें कहां जाना पड़ेगा? पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, तुम्हें डेसिमल में जाना पड़ेगा फिर। ठीक है, ठीक है। तो आप इसमें डेसिमल मत जाओ, जैसे रिमाइंडर बच रहा है 250 सेकंड को हम मिनट बदल रहे हैं, तो रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर जो होगा जो था तुम्हारा सेकंड में था सेकंड ही आ जाएगा, जो आंसर होता है मिनट बदल जाएगा, क्योंकि हमने सेकंड से मिनट में डिवाइड 60 कर दिया। ठीक है ना, इसी तरह 196 सेकंड है तो कर देना डिवाइड करके मिनट में, तो बार बार बताने का मतलब नहीं रहेगा कुछ भी। फिर कन्वर्ट इंटू सेकेंड, आवर्स के तुम्हें किसमें बदलना है? सेकेंड में बदलना है। देख लो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आवर्स को किसमें बदलना है? सेकेंड बदलना है। कितने आवर्स है? 5 आवर्स है। 5 आवर्स को तुम्हें बदलना है सेकेंड्स में, तुम्हें बदलना है सेकेंड में 5 आवर्स। आवर्स में, आवर्स से सेकेंड बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई बाय 60, मल्टीप्लाई बाय 60, दो बार मल्टीप्लाई करना है। हमें आवर्स से मिनट में नहीं जाना है, हमें आवर्स से सेकेंड में जाना है। तो आवर्स से सेकेंड जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60, देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, तो 5 इंटू 60 इंटू 60 बनना है कि नहीं बात? 60 इंटू 60 मत कर देना, सिर्फ 5 ही लिखना पड़ेगा जिसको बदल रहे हो एक्चुअली में। तो 5 इंटू 60 करोगे 300 होगा, फिर वापस इंटू 60 करना पड़ेगा, 6 3 18, फिर 3 0 बढ़ा दो, ये टोटल हो गया सेकेंड्स 5 आवर्स का। 5 आवर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड? 18,000 सेकेंड। समझ गया ना क्यों दो बार मल्टीप्लाई किया सर? क्योंकि आवर से हमें कहाँ जाना था? सेकेंड में जाना था। आवर से मिनट में 60 मल्टीप्लाई किया, मिनट से सेकेंड में 60 मल्टीप्लाई किया। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा है। ठीक, चलो ये भी कर लेते हैं। ये वाला दिया हुआ है 8 आवर्स। देखो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पूरा देख लिया करो चाहो तो आप। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड में बदलना है 8 आवर्स 20 मिनट को। 8 आवर्स 20 मिनट को किसमें बदलना है? सेकंड में बदलना है। ठीक है ना, चलो तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 8 आवर्स को सेकंड में बदलेंगे, फिर दूसरे स्टेप में 20 मिनट को भी सेकंड में बदलेंगे, फिर दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे सारे सेकंड्स को, सारे सेकंड मिल गए। तो 8 आवर्स का सेकेंड बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाई 60 करना पड़े। क्यों सर? क्योंकि भाई तुम आवर्स में हो, यू हैव टू गो टू सेकेंड, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 60, देन अगेन वन मोर जम मल्टीप्लाई बाई 60, दो बार मल्टीप्लाई बाई 60 करना पड़ेगा। इसका आंसर लिख देना कितना आ रहा है। फिर 20 मिनट को भी तुम्हें सेकेंड बदलना है, तो 20 मिनट को सेकेंड बदलने के लिए मल्टीप्लाई जस्ट 60 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मिनट के सेकेंड जाने के लिए एक ही बार मल्टीप्लाई करना है। तो चलो मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं कितना आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करके मैंने ये निकाल लिया, तो ये आवर्स था ये भी सेकंड में बदल गया, ये मिनट था ये भी सेकंड में बदल गया,
दोनों ही सेकंड में बदल गए हैं, तो ओवरऑल दोनों को प्लस कर लेंगे, ओवरऑल सेकंड निकाल लेंगे, तो 0 8 0 10 3 4 4 0 8 0 यह आ गया सेकेंड्स। क्लियर? तो इस तरीके से अगर आवर्स एंड मिनट्स हैं और ओवरऑल सेकंड में लाना है तो ऐसे लाएंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो नीचे है कन्वर्ट इनटू आवर्स मिनट्स सेकंड। बहुत बड़े बड़े सेकंड दिए, इसमें से आवर्स को अलग करो, मिनट को अलग करो, सेकंड को अलग करो। तुम्हें घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। देखो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। हमारी कहानी क्या चल रही है कि नंबर दिया, आवर्स में बदलो, मिनट में भी स्प्लिट करो, सेकंड में भी स्प्लिट करो। तो दिया क्या है 5248 सेकेंड, 5248 सेकेंड दिया है उसको, आवर्स में बच गया तो मिनट में और बच गया तो सेकेंड में। चलो अच्छा, तो पहले तो हमें क्या करना मालूम है, ये सेकेंड दिया हुआ है, सबसे पहले सेकेंड से कहाँ जाएंगे, मिनट में जाएंगे। हाँ, सेकेंड से मिनट में जाएंगे। पहला स्टेप ये होगा, देखो अगर एक नंबर को तीन में बदलना है तो वन बाई वन जाना है, सेकेंड दिया था, सेकेंड से पहले मिनट में जाओ, जब मिनट आ जाएगा फिर मिनट से आवर्स में जाएंगे। सेकेंड से मिनट डिवाइड बाई 60 करना है सर। चलो डिवाइड बाई 60 करो, किसने मना किया आपको, डिवाइड बाई 60 करेंगे तो करो। ठीक है, 52 तो होगा नहीं, 524 तक लेना पड़ेगा, डिवाइड आपको आता ही होगा, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ 68 का होगा 480 ना, 480 होगा, नीचे चार बचेगा, माइनस करोगे यहाँ 12, 12 में साठ 4 बच जाएगा। ठीक है, 4 बच गया। अब यहाँ पे पूरा नहीं हुआ ना, अभी कैरी करो 8, कैरी किया 448, वापस 68 67 का होगा आपकी बार 420। ठीक है, माइनस किया 8 2 28। अब देखो ये जो था वो क्या था, सेकेंड था, 5248 क्या था, सेकेंड था। तो जो रिमाइंडर बचेगा ये होगा सेकेंड, याद रखना, रिमाइंडर जो होता है ना अंदर, वही जो होता है रिमाइंडर, वही होता है सेकेंड। यानी सेकेंड तो हमें मिल गए, हमें क्या निकालना था, आवर्स मिनट सेकेंड, सेकेंड हमें मिल गया, सेकेंड कितना मिला 28 मिल गया। ठीक है ना, अभी मिनट और आवर्स, आप बोलो सर मिनट तो मिल ही गया, मिनट मिल गया ठीक है, लेकिन हमें आवर्स में बदलना है ना, मिनट को आवर्स में बदलना है, तो मिनट तो मिल गया ठीक है, 87 अभी यहाँ नहीं रखोगे, पहले जो 87 मिनट मिला है उसको पहले आवर्स में बदलेंगे। तो सर कैसे बदलेंगे, सेम कहानी 87 अंदर रखा और डिवाइड कर दे 60 से, भाई 87 क्या आ गया, मिनट आ गया है ना, हमने मिनट से डिवाइड किया था, मिनट आ गया। ठीक है, तो 87 मिनट है, अब इसको बदलना है किसमें, आवर्स में, तो मिनट से आवर में जाने के डिवाइड बाय 60 फिर करेंगे, तो आपके पास 61 होगा, तो 61 फाइनली रिमाइंडर बच जाएगा 27। ये 27 ये क्या था, 87 क्या था, मिनट था, तो रिमाइंडर बचाओ क्या हो गया, मिनट हो गया, और जो आंसर है वो क्या आ गया, आवर में आ गया, फाइनली आ गया 1 आवर 27 मिनट और 28 सेकेंड, ये आया फाइनली आंसर। तो कम से कम 2 से 3 बार इसे देखना, समझ लोगे आराम से, ठीक है ना। अगर जस्ट मिनट दिया होता तो एक ही स्टेप में हो जाता आवर्स बदलने के लिए, आवर्स एंड मिनट में, लेकिन सेकेंड में दिया था आवर्स तक जाना था, तो एक बार डिवाइड में 60 करके मिनट में बदला, फिर मिनट को डिवाइड में 60 करके आवर में बदला, रिमाइंडर उसी हिसाब से निकालते चले गए। ठीक है सर, और डिवाइड क्यों करो, सेकेंड के बाद आओ कहाँ जाओगे, 27 आ गया, 60 से छोटा आ गया, अब कैसे करोगे भाई। देखो पहले डिवाइड किया तो रिमाइंडर सेकेंड मिला, मिनट मिला आंसर में, फिर मिनट को डिवाइड किया 60 से तो आवर मिल गया और रिमाइंडर मिनट मिल गया, इधर रिमाइंडर 28 सेकेंड, इधर रिमाइंडर 27 मिनट, आवर मिल गया 1 आवर, खत्म बात। ठीक है, तो ऐसे ही करना है, बाकी भी ऐसे ही करना है। बात में आ रही तो बहुत ही ईजी है, 7 वीक को तो बदलना है डेज में, 7 × 7 कर देना 49 डेज हो जाएगा। 3 वीक 4 डेज को तो बदलना है डेज में, 3 वीक मतलब 3 × 7 21 डेज हुआ, प्लस 4 डेज, ये पहले से डेज है ना, प्लस 4 डेज, तो 21 + 4 25 डेज हो जाएगा। 8 वीक 5 डेज है, तो 8 वीक 5 डेज मतलब कितने डेज हुए, 8 वीक में 8 × 7 +5 डेज, दोनों को मल्टीप्लाई करके बाद में प्लस कर लेना, टोटल डेज में आ जाएगा। इसी तरह देखो आपकी बार आवर बदलना, ये बार मैं कराता हूँ, तो क्या दिया हुआ है आपकी बार, दिया हुआ है 3 डेज एंड 8 आवर्स में टोटल कितने आवर्स होंगे। भाई ये तो पहले से ही 8 दिया ही हुआ है आवर्स में, इसको थोड़ा कुछ छेड़खानी करनी है, ये तो 8 आवर दिया ही हुआ है, 3 डे को भी आवर्स में बदल लेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल आवर्स आ जाएगा। तो डेज से आवर में जाने के लिए, हाँ मल्टीप्लाई 24 सर ने बताया था, तो 8 × 3 कर दें, 24 × 3 कर देंगे,
डेज को आवर में जाने के किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से, तो 3 × 24, तो ये हो गया आंसर 72। इसका आंसर आ गया ए, टोटल हो गया 80 आवर्स। ठीक है, 8 आवर पहले से था, बाद में 3 डेज को भी आवर में बदल लिया। ठीक है, तो ऐसे बाकी करना है। इसके बाद देखो 120 आवर। अब स्प्लिटिंग वाला, स्प्लिटिंग कभी भी मतलब डिवाइड करना है, ये समझ लो। अब स्प्लिटिंग वाला मेथड आ गया कि तुम्हें समथिंग डेज में दिखाना है, तुम्हें समथिंग आवर्स में दिखाना है, किसको किसको, 120 आवर्स को। सुनो, तुम्हें 120 आवर्स को स्प्लिट करना है डेज एंड आवर्स में। तो 120 आवर्स दिया हुआ है, तुम्हें उसमें से पहले डेज निकालना है, बचा कुछ आवर्स हो जाएगा। तो 120 आवर्स को डेज में कैसे बदलेंगे सर? अरे भाई, आवर्स में डेज में जाने के लिए डिवाइड बाई 24, तो 120 को डिवाइड बाई 24 करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो आवर्स में आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा सॉरी डेज में आंसर आ जाएगा। 24 हम कहाँ जा रहे हैं, आवर्स से डेज में जाने, डिवाइड बाई 24 करेंगे तो आंसर जो आएगा डेज में आ जाएगा। यहाँ पे आंसर आ जाएगा डेज में आ जाएगा, ये आवर्स है, रिमाइंडर आवर्स का आवर्स ही रहेगा। चलो देखते हैं, तुमने 24 का मल्टीप्लाई कर देगा, 24 वन दा, टू दा, थ्री दा, फोर दा, 24 फाइव दा करोगे तो 120 आवर्स, मतलब 120 आ जाएगा पूरा का पूरा। डिवाइड थोड़ी ना सिखा रहे हैं, तो जीरो बचेगा, तो आवर्स बचा जीरो, डेज या आंसर हम लोग डेज में बदल रहे थे ना, 5 डेज आंसर आ गया और 0 आवर्स। ठीक है, दो तीन और कर, दो और करते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो 340 आवर्स करेंगे। 340 आवर्स के तुम्हें डेज एंड आवर्स से बदलना है, तो पहले तो आवर्स को बदलेंगे डेज में, जो बचा कुचा होगा वो आवर्स हो जाएगा। तो डेज में बदलने के लिए, आवर्स को डेज में बदलने के लिए, आवर्स को डेज डिवाइड बाय 24 करते हैं, डिवाइड बाय 24 किया तो 24 वन दा, टू दा, थ्री दा, फोर दा लगाओ तो तुम्हारा आ जाएगा 24 वंदा ही लगाओ पहले, नहीं आप क्या करो मालूम है, चलो 24 वंदा लगाते हैं, 24 वंदा। तो देखो इसको है ना, आप इस तरीके से ना करो, ठीक है, आप 24 का पूरा पूरा टेबल लगाओ 340 के अंडर में। चलो ठीक है, ऐसे ही करके देख लेते हैं, ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आ गया 10, ये बचा 0, 100 आ गया। चलो वापस लगाओ 24 को, क्योंकि जब तक पूरा डिवाइड नहीं होता तब तक लगाना पड़ेगा, नहीं तो 340 का एक बार में भी ले सकते हो, ये सब डिवाइड के बेसिक फंडे मालूम होने चाहिए। तो 24 4 था 96 होगा, ये बच गया 4 रिमाइंडर फाइनली। अब डिवाइड होगा नहीं होगा, तो ये जो रिमाइंडर होगा वो आवर्स हो जाएगा। क्यों आवर्स हो जाएगा, 340 क्या था, आवर्स में था, तो ये भी किसमें हो जाएगा, आवर्स में हो जाएगा। और डिवाइड बाय 24 क्या, मतलब डेज हो जाएगा ये। तो 340 आवर्स का मतलब ही क्या हुआ, 14 डेज एंड 4 आवर्स। ठीक है, 14 डेज 4 आवर्स मतलब 340 आवर्स, समझ गए। तो जैसे पहले स्प्लिट वाला किया था वैसे ही करना था इसमें भी। अब देखो ये चीज यहां पर वही है, 235 डेज को हमें किसमें बदलना है, वीक्स में। डेज को वीक बदलने के लिए क्या करते हैं बताओ, अगर वीक से डेज होता है तो मल्टीप्लाई 7 करते हैं, और उल्टा हो डेज से वीक हो तो डिवाइड बाई 7 करेंगे। ये पिछली बार ही बताया था मैंने, पूरी टेबल दिखाई थी वीक वाली भी। तो 235 है, हमें डेज से जाना है वीक में, तो डिवाइड बाई 7 करेंगे। वीक से डेज में जाने के लिए मल्टीप्लाई 7 करते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर मैंने बताया था। तो 7 चलो डिवाइड करो, 7 × 3 = 21, 2 बच्चा 5 कैरी किया, 7 × 3 = 21 है ना, बचा 4, तो ये हो गया 33 वीक्स, ये हो गया 4 डेज है ना, तो डेज नीचे 4 डेज, तो क्या आंसर आ गया, 235 डेज इज इक्वल टू, कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे 235 डेज इक्वल टू 33 वीक 4 डेज, ऐसे लिखो, समझ गए। इस तरह स्प्लिटिंग वाले सारे करने हैं, ये सारे भी ऐसे ही करने हैं। अभी 88 मंथ के ईयर बदलना है, मंथ ईयर में जाने के लिए क्या करेंगे, मंथ ईयर पिछली बार टेबल बताई थी, मंथ ईयर में जाने के लिए डिवाइड बाय 12 करेंगे, तो डिवाइड बाय 12 कर लेना तो ईयर आ जाएगा, है ना। अब देखो 88 क्या है, मंथ है, हमें किस में जाना है, ईयर बदलना है, ये मंथ है,
तो डिवाइड बाई क्या करते हैं बताओ, 12। ये पिछली बार टेबल दिखाई भी थी मैंने, पूरी पूरी टेबल आपने नोट की होगी। तो डिवाइड मारो, यहाँ पे जो भी आएगा ईआर आएगा आपकी बार। तो 12 7 84 होता है, रिमाइंडर बच्चे का 4 मंथ है, 4 मंथ आ गया नीचे। तो ये आंसर आ जाएगा जो तुम डिवाइड कर रहे हो बदलने के लिए, वो ईयर्स हो गया। तो 7 ईयर्स 4 मंथ, 88 मंथ मतलब 7 ईयर्स 4 मंथ, समझ गया। ये थी पूरी कहानी इसकी।